पीछे गाइस एक बहुत बड़ा फील्ड है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ से जैसे दिख रहा है बिल्कुल हरा सा, और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत पेड़ है आगे है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी मैं हूँ गाइस फर्नीचर शोरूम में, हम लोग का जो शोरूम है मैंने आप सबको दिखाया था एक वीडियो के जरिए जो कि आप सब ने देखा, और गाइस अभी मैं हूँ छत पर, ठीक है। तो कुछ दिन पहले काम चल रहा था जैसे कि आप सब ने देखा, लेकिन फिलहाल गाइस काम कितना कंप्लीट हुआ है शोरूम का तो सारा कुछ मैं आप सबको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं आप सबको दिखाता हूँ छत में किस टाइप का कंडीशन है, ठीक है। तो चलो आप लोग को दिखाते हैं गाइस। अभी मैं सबसे पहले आपको छत से ही पूरा शोरूम जो है कितना बड़ा है आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ से देखो, ये शोरूम का स्टार्ट जो है गाइस यहाँ से है, ठीक है। ये आप देख सकते हो पेड़ के सामने, यहाँ से शोरूम का स्टार्ट है और एंड जो है यहाँ से, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक का एंड है। और ये शोरूम के साथ में भी गाइस एक शोरूम है जो कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो है एक अलग शोरूम है फर्नीचर का, और उसके साइड से जो है वो भी एक अलग शोरूम है, ठीक है। तो छत का गाइस कुछ अभी इस टाइप का कंडीशन है, और फिलहाल ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे दीवार बनाया गया है, और इस जगह पे जो है गाइस फर्नीचर का जो नाम होगा मतलब जो बोर्ड लगेगा वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी काम चल रहा है, नहीं लिखा गया है, लेकिन अभी चलते हैं गाइस इसके नीचे, और इसके नीचे कितना काम कंप्लीट हुआ है मैं आप सबको जाकर दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलो, ये देख सकते हो गाइस ये भी एक शोरूम है साइड पे लेफ्ट साइड में, और वहाँ पे आप देख सकते हो गाइस एक लकड़ी का मिल है वहाँ पे, ये देख सकते हो गाइस वहाँ पे दिख रहा होगा काफी लोग वहाँ पे अभी तक काम कर रहे हैं मिल पे। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। तो गाइस हम लोग अभी आए हैं यहाँ से, देख सकते हो यहाँ पे एक सीढ़ी लगा के अभी हम लोग ऊपर से आए हैं, तो अभी यहाँ से ही हम लोग अभी नीचे जाएंगे। ये सीढ़ी से अभी हम लोग ऊपर चढ़े थे और फिलहाल अभी नीचे उतर गए हैं, और ये देख सकते हो मेरा फ्रेंड अभी जो है नीचे उतर रहा है यही सीढ़ी से। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ का कंडीशन आप सबको दिखाता हूँ काम कितना कम्प्लीट हुआ है। देख सकते हो भाई इससे लकड़ी जो है वजन होता है, ठीक है, लकड़ी का वेट जो है इससे नापा जाता है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे, और जैसे कि मैंने आप सबको पहले वाला वीडियो में दिखाया था, आप सबने देखा गाइस सब काम पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ था, चारों साइड जो है बिल्कुल घेरा हुआ नहीं था, ठीक है। अभी जो गाइस चारों साइड बिल्कुल मतलब ईंट से घेरा हुआ है, और थोड़ा सा मतलब विंडो के लिए छूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तीन विंडो के लिए छूटा हुआ है, यहाँ पे एक विंडो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दो और वहाँ पे एक आगे है, ठीक है, तीन विंडो यहाँ पे छूटा हुआ है ऑलरेडी। और ये रहा गेट, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे एक फर्नीचर है बाहर, और ये वाला है शोरूम का गेट, एक दो तीन, ठीक है, ये शोरूम का तीन गेट है यहाँ पे, मतलब तीन शटर लगने वाला है। तो यहाँ पे तीन गेट आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सब जो है गाइस पहले बिल्कुल मतलब घेरा हुआ नहीं था, ठीक है, खाली सा था, लेकिन बाद में अभी थोड़े दिन पहले ही काम हुआ है तो ये साइड सब जो है घेरे हुए हैं। इधर देख सकते हो ये वाला वॉल और आगे, ठीक है, तीनों वॉल जो है बिल्कुल घेर दिए हैं, और पीछे भी बस जो है विंडो का जगह खाली है, बाकी इस साइड भी देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी घेर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी तीनों वाला आप देख सकते हो। और ये शोरूम का बैक साइड है पूरा, काम का सारा चीज़ जो है यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं, मतलब अभी थोड़ा दिन काम हुआ था लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है। तो गाइस इस ब्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया यहाँ जो फर्नीचर शोरूम है हम लोग का किस टाइप का अभी काम चल रहा है और कितना काम कम्प्लीट हुआ है मैंने आप सबको दिखाया। एंड आई होप गाइस आप सबको ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और हाँ, ये फर्नीचर का नाम जो होने वाला है वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है, वो थोड़ा सा सीक्रेट है, लेकिन बाद में आप सबको पता चल जाएगा, जब होगा जब बोर्ड लग जाएगा तब मैं आप सबको बताऊँगा, फिलहाल अभी थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो। और आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग और कमाल के ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।